आप जो कार्यक्रम है, ये क्या कार्यक्रम है? ये भागवत का कार्यक्रम है पितरों के मोक्ष के लिए। जैसे जो को पितर हमारे स्वर्ग लोग गए हुए हैं, ये पितृ पक्ष लगा हुआ है 16 दिन का। तो इसमें स्वामी जी ने पितृ पक्ष का और बिना किसी के निस्वार्थ सेवा, कोई मूल्य किसी से यजमान मर्जी से अपनी जो मर्जी चढ़ाए ना चढ़ाए, नारियल रखवाए यहाँ पे पितरों का नाम लिख के और खुद का नाम लिख के लास्ट 7वें दिन सब जब कथा सुन लेंगे, वो पितर हमारी कथा सुन रहे हैं, हमारे सभी पितर भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये हमने जिंदगी में, मेरी उम्र 58 साल हो रही है, मैंने पहली बार जिंदगी में ऐसा देखा है कि हमारे पितरों के लिए हमारा इतना बड़ा कार्य हो रहा है। स्वामी जी हमारे लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ। मीनू शर्मा जी, आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है? ये कल से शुरू हुआ है और ये एक हफ्ते तक चलेगा, 7 दिन तक, 5 ये 29 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। अच्छा, तो इसमें क्या कुछ विशेषताएं होती हैं कार्यक्रम में? इसमें हमारे जो पितर जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं, पितरों के बारे में सब कुछ है, उनके मोक्ष के लिए सब कुछ है, क्योंकि जो आज हम जो कुछ हैं हम पितरों की कृपा से सब कुछ है। आज जो ये बाग लगा हुआ है, आज जो ये इतनी फुलवारी खिली हुई है, ये पितरों की ही देन है। तो महाराज जी ने निस्वार्थ होकर हमारे कल्याण के लिए ये भागवत कथा का पितृपक्ष भागवत कथा का प्रोग्राम रखा। मेरा अनु गोयल नाम। आज इस कार्यक्रम में आए हो आप, किस प्रकार का लाभ हमें मिलता है इस कार्यक्रम से? हमें हमारे बच्चों को इसकी संस्कृति के बारे में पता चलेगा और पितरों के बारे में, जो हमारे श्राद्ध पक्ष हैं, श्राद्ध होते हैं, उनके बारे में बच्चों को आगे पता चलेगा। पितृपक्ष में ये कथा रखी गई है, पितरों के मोक्ष के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए ही महाराज जी ने कहा है कि कथा रखी गई है, उसमें वो सब सुनने आएंगे। तो और आगे हमारे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता चलेगा और हमें भी लाभ होगा इससे और हमारे बच्चों को भी होगा और उनका कल्याण होगा। मेरा नाम स्वामी त्रिभुवनपुरी। आज जो कथा करवाई जा रही है वो कौन सी कथा है, उस कथा का क्या विशेष महत्व होता है? ये कथा है श्रीमद्भागवत कथा, व्यास जी ने रचना करी, सुखदेव जी ने इसका प्रचार किया है। और कथा का इस समय का मूल उद्देश्य है पितृपक्ष में पितरों की शांति मुक्ति तृप्ति के लिए ही ये कथा का आयोजन किया गया, हमारे मंदिर के सारे भक्तों के जरिया से, हमारे यजमान बन करके और इन लोगों के सहयोग से और माताओं के सहयोग से कथा का आयोजन किया गया है। इससे पितरों का कल्याण, समाज का कल्याण, ये जो महामारी अभी फैली हुई है ये भी समाज से हटे और लोग सुखी शांत रहे, इसलिए कथा का आयोजन किया गया है। तो जिस तरह से कथा एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो है मुँह माया और धन दौलत ये तो पापी के घर में भी हो सकते हैं, लेकिन जो कथा है, जो संतों का आगमन है, वो दुर्लभ होता है। ये किस तरह से, मतलब क्या कुछ विशेष होता है, कथा का क्या महत्व है और संतों का जो आगमन है वो किस प्रकार अपना महत्व रखता है? संतों का जीवन विरक्त जीवन होता है, वैराग्यपूर्ण जीवन होता है। जैसे व्यक्ति को आप देखोगे उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर एक वैराग्य व्यक्ति देखो आपके मन में वैराग्य आएगा, एक 25 लाख गाड़ी में अगर जाता हुआ देखो कि मन में होगा मेरे भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। इसलिए संतों का विशेष महत्व है कि वैराग्य जीवन जीते हैं और आपको देखने पर आपके मन में भी प्रभाव आएगा कि हम भी वैराग्य जीवन जिए। और पापी के घर में तो देखो जो धन बढ़ेगा, जैसे भी धर्म कमाते हैं उनके घर में है, अंग पर आने से उसमें विवेक जागृत होता है और धर्म का ज्ञान होता है। पूजा पाठ कर लेना ही धर्म नहीं है, धर्म को धर्म यानी जो जीवन से जुड़ा हुआ है, अब ये मिलेगा सत्संग से, इसलिए सत्संग जरूरी है। ठीक है जी। तो जिस तरह से आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लगातार पश्चिमी सभ्यता यानी कि दूसरे देशों की नकल कर रही है, लेकिन जो हमारा एक सनातन ज्ञान था, जो संतों की जो है सेवा में जो उनको लाभ मिलता था या फिर कह सकते हैं गुरुकुल से जो शिक्षाएँ मिलती थी, वो आज कम होती जा रही हैं। तो कैसे देखते हैं इस आज के समय को आप? ऐसा है कि इसको भागवत में स्पष्ट कहा है युग धर्म, ऐसा अभी सर्दी आएगी सर्दी लगेगी, वर्षा आएगी वर्षा होगी, गर्मी आएगी गर्मी होगी, उस प्रकार की युग धर्म है। फिर भी हम प्रयासरत रहना चाहिए समाज को सही रास्ता बताने के लिए, और प्रयास जारी है, और भी संत महात्मा कथाकार सभी इसमें लगे हुए हैं कि हम सनातन वैदिक धर्म की स्थापना करें और ये सारे विश्व में ये भारत विश्व गुरु बनकर के उभरे, यही विचार लेकर के हम लोग इस कथा के माध्यम से लोगों को जागृत कराते हैं।